हमसे एक वादा करो, ये बच्चा हमेशा रॉय चौधरी रहेगा। हाँ काका ससुर जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। काका ससुर जी, ये बच्चा मेरा और पति बाबू का खून है, रॉय चौधरियों का अंश है, फिर मैं ये घर छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? और आप लोग भले ये माने कि पति बाबू नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि पति बाबू जिंदा है, और उसका सबूत ये है कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं और पति बाबू एक ही सांस के डोर से बंधे हुए हैं। इसलिए अगर पति बाबू नहीं है तो बौंदिता भी नहीं है, और अगर बौंदिता जिंदा है तो पति बाबू को भी जिंदा रहना होगा। मैं ढूंढूंगी पति बाबू को। काका ससुर जी सोचिए, अगर पति बाबू आपके सामने आए, वो आपसे पूछेंगे कि आपने ये सब क्यों किया, तो फिर आप उन्हें क्या जवाब देंगे? बताइए। हमें माफ कर दो बाबू, अरे दुख में इतना अंधे हो गए, तुम्हारा दर्द नजर ही नहीं आया। हमें माफ कर देना, हमें माफ कर दो, मत जाओ यहाँ से। बौंदिता, जेठ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, मन चाहिए घर छोड़ के यहाँ रह ले हम सबके साथ। संपूर्णा दीदी, मैं भी यही रहना चाहती हूँ। हाँ। बटुक, अगर उसे ये पता चला कि पति बाबू मेरे साथ नहीं है तो वो मुझसे मेरा बच्चा छीन लेगा। ससुर जी, बटुक नफरत करता है मुझसे, और अगर मैं उसकी नफरत के खिलाफ जाऊंगी तो जाने अनजाने में अपनों को तकलीफ दे पहुंचूंगी, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ठीक होगा। अरे बेटा तू वो सब छोड़ दा, हम बात करेंगे बटुक से, उसको हम समझाएंगे। हाँ नहीं काका ससुर जी, मैं अपने बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे जाने दीजिए। तुम सही कह रही हो बहू, ये बटुक अपनी नफरत में सारे रिश्तों की सीमाएं लांग गया है, मर्यादा की सारी लक्ष्मण रेखाएं पार कर ली हैं उसने, और रावण बन गया है। तुम जाओ बहू, लेकिन हम तुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ, हम तुझे एक अपने अच्छे मित्र के घर ठहराएंगे, जहां पे वो लोग तेरी देखभाल कर सके। हाँ, और सुन ना, बटुक को इस बारे में कि तू कहाँ है भनक भी नहीं लगने देंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करना बहू। हाँ, अब इस बार अपने बेटे के मुंह में अंधे होकर अपने सोने जैसी बहू को नहीं खोएंगे। ना ना, अच्छा तू तो ना आओ, तू तो करो बहू। अरे वाह, इतने सारे खत लिख दिए आपने, लेकिन आपको अपनी पत्नी का पता अपने याद आया? याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। अब तो दुर्गा माई सही समय आने पर आप दोनों को मिलाएंगे। आप ये दवा पीजिए। तुलसीपुर। तुलसीपुर? हाँ, ये बौंदिता। आपकी पत्नी तुलसीपुर में रहती है? हाँ मैम, मेरा घर वैसी, मेरा घर तुलसीपुर। अरे वाह, आपको याद आ गया, मैं आज ही तुलसीपुर जाने का इंतजाम करता हूँ। मैं आ रहा हूँ बौंदिता। बौंदिता बहू, बैठ जाइए यहाँ पे, बैठ धीरे संभाल के। बहू ठीक है? ठीक, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है बौंदिता का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है, हमें इसको अस्पताल लेके जाना होगा। हाँ। और मैं भी साथ चलती हूँ, शायद जरूरत पड़ जाए। हाँ चलो। काका, उस बच्चे की स्टोरी मुझसे शुरू हुई है, तो मेरे बिना आगे तो नहीं बढ़ सकती ना। मैं आप सबके साथ आऊंगा हॉस्पिटल। देखा निरुद्ध, बट अनु काका, मैं जानता हूं कि बौंदिता को मेरा सच पता चल चुका है। शी नोज एमबीआरसी। अब चले, तू जा यहां से, जा।
I don't think हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए. बोंता का लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, बहुत दर्द पूरा होगा उसे. आपको मेरी चिंता करने के बजाय फिलहाल बोंता की चिंता करना चाहिए. We should rush to the hospital. आजा, आजा. चलिए. हम तुझे साथ ले जा रहे हैं, लेकिन कान खोल कर सुन ले. हम कुछ गलत नहीं होने देंगे, ना बहू के साथ और ना बच्चे. काका, मेरा भी भतीजा है. मैं सच में उससे प्यार करता हूँ. वो मेरे बिट्टी की आखिरी निशानी है. मेरा भतीजा. I will tell him, मैं उसे हाथ में पकड़ूंगा. मैं उसे कहूंगा कि I'm your super चाचू and I love you. मैं तुमसे प्यार करता हूँ. चल कम ऑन, ठीक से हाथ पकड़ के रखो. हाँ. And I hate your mother, Bondita. आज आप तुलसीपुर जाओगे, अपनी पत्नी से, अपने परिवार वालों से मिलोगे, हैं? आप तो खुश होगे ना? बहुत खुश हूँ. शुक्रिया. मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया. आप बैठो, मैं बाकी इंतजाम देखकर आता हूँ. जी. मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास. बेटा, अनिरुद्ध के जाने के बाद बोंदिता अब सिर्फ घर की बहू नहीं है, बेटी बन चुकी है. हमारा फर्ज बनता है और हम चाहते भी हैं कि बोंदिता और उसका बच्चा दोनों हमारे साथ रहें. हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं. पुरानी सारी बातें भूल जा, नई शुरुआत कर. कम ऑन सीनियर समझदार बाबू, इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं. बोंदिता आप हमारे साथ रहेगी. हम तो यही चाहते थे कि वो बच्चा हमारे पास आ रहे. दैट्स डन. एंड आफ्टर ऑल, जब बच्चे के दादा कह रहे हैं कि उसे यहाँ रहने थी, तो हाउ कैन आई से नो. इन द एंड उस बच्चे को रॉय चौधरी का नाम तो मिल जाना है काका. He'll be a zamindar like you, like me. हमें तुझसे यही उम्मीद थी बेटा. तो भाई सीनियर जमींदार बाबू, पागल. ये कुछ दवाइयाँ चाहिए बोंदिता जी के लिए. आप प्लीज इन्हें जल्द से जल्द ले आइए. I'll get the medicine. मैं आया क्या? जमींदार बाबू, जमींदार बाबू, राय चौधरी हवेली में आग लग गई है. चलिए जल्दी चलिए. You were right, Zamindar Prabhu. But look, है ना, सब संभाल लेगा. राज चौधरी हवेली में बिगड़ी का बेटा जरूर आएगा, पर उस बच्चे की मॉम बोंदिता राज चौधरी नहीं आएगी. उसने मुझे मेरे फैमिली से दूर किया था. अब मैं उसे उसके बच्चे से, मेरी फैमिली से, रॉय चौधरी फैमिली से दूर करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए, फॉरएवर. डॉक्टर, आपको बता पाऊं कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है. अब शायद माँ और बच्चे में से किसी एक को हम बचा पाएंगे, क्योंकि आप फैमिली मेंबर है. आपको डिसीजन लेना है कि आपकी पत्नी को बचाना है या बच्चे को. आप बच्चे को बचाइएगा. ओके, अब माँ की जान चली जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता. कैसे, बच्चे को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो जस्ट गो देयर, चाहे उसकी कीमत माँ की जान से क्यों ना देनी पड़ जाए. आप जी बेबी बॉय, यस, संभाल के करिएगा. आप जी नासुक होगा. इज गोना कॉल मी सुपर चार्ज.
दुर्गा माँ, मैं आ रहा हूँ बॉन्डिता से मिलने, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने रॉय चौधरी हवेली में। मैं जानता हूँ इतना समय जो मैं बॉन्डिता के पास नहीं था आपने उसका ख्याल रखा होगा। मेरे बिना बॉन्डिता परेशान भी जरूर हुई होगी, उसने आपसे अपने दुख बांटे होंगे, अपने दर्द बांटे होंगे, रोई होगी, तड़पी होगी, बिलख रही होगी। और मैं जानता हूं आपने उसका साथ दिया होगा, आप हमेशा की तरह उसकी शक्ति बने होंगे। मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया दुर्गा। अब मैं तुलसीपुर जाऊंगा अपनी पत्नी के पास, अपनी बॉन्डिता के पास। I can hear my bhatija. वो मुझे सुपर चाचू बनाएगा। हे बेबी, कम ऑन, जल्दी बाहर आ जाओ। ये तो चमत्कार हो गया। इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। मिसेस रॉय चौधरी, बधाई हो, आपको जुड़वा हुए हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चों को क्लीन करके इनके सामने ले आइए और आप इनको शिफ्ट कर दीजिए जनरल रूम में, ठीक है? उनकी कंडीशन थोड़ी सी वीक है। बेबी बॉय लड़का हुआ है? वाओ, ए चुनी समझदा। अब ये दूसरा बच्चा किसका नहीं है एक साथ? I just want my big D's boy. Hey, how are you? कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा सुपर चाचू। बॉन्डिता जी को जुड़वा हुए हैं। ये दोनों बच्चे उन्हीं के हैं? उनके नहीं, मेरे बिग डी के हैं, ARC के। ट्विन्स हैं वो। दिखाई? ए, मैं तुम दोनों का सुपर चाचू। ARC, पहचाना मुझे? Thank you so much. मैं नहीं संभालूंगा, मैं इनका चाचू हूँ। देखो मामा, आप मामा को बोलो बाय। आप रुके क्यों हैं? लेके जाइए ना। हमेशा के लिए टाटा। हम आपको कभी नहीं मिलने वाले। आप हमको कभी नहीं मिलने वाले। हम तो हमारे चाचू के साथ रहेंगे, सुपर चाचू PRC। मेरे बच्चे, सिस्टर, सिस्टर, मेरे बच्चे कहाँ? आपको बताया नहीं कि आपके दोनों बच्चों को उनके चाचा यहाँ हॉस्पिटल से लेकर चले गए हैं? क्या? नहीं, देखो, आपने अभी बच्चों को जन्म दिया है, आप बहुत कमजोर हैं, आपको बस आराम करना चाहिए। सिस्टर, जब बात अपने बच्चे पे आ जाती है ना, तो कोई माँ कमजोर नहीं होती, और अपने बच्चे के लिए एक माँ दुग्गा माँ भी बन जाती है। अजय माँ अपना बच्चा छीनने नहीं देती बच्चों को। नहीं, आप रुकिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। सिस्टर, भटक, ये क्या कर रहा है? दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोलो, एक माँ को अपने बच्चे से दूर मत करो। और जब बॉन्डिता ने मुझसे मेरे बिट्टी को छीना, उसका क्या? वो किसी को याद नहीं है क्या? आप लोग सब उस बॉन्डिता की चिंता कर रहे हो जिसने मेरे बिट्टी की जान ली। बिट्टी, आप लोग सब उसकी जाल में फंस रहे हो, वही कर रहे हो जो वो चाहती है। But I won't let that happen. मैं वो नहीं होने दूंगा। अरे हमने तो वही किया जो तूने कहा। तूने हमें धोखा दे दिया। आ दिया क्योंकि आपने मुझे फोर्स किया। क्या यू फोर्स भी? आपने कहा था कि आप मेरा साथ देंगे, बट आपने क्या किया?
आप पलट गए, यू चेंज। आपको अपनी प्यारी बहू कौन तक साथ देने का मन किया, इसने मुझे ये करना पड़ा काका। हमारी बात सुन, बच्चों को माँ से अलग मत कर बटुक। बच्चों को माँ से अलग करना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। नहीं, ये बच्चे मेरे बिट्टी की आखिरी निशानी है और मैं मेरे बिट्टी के मर्डर पंडिता को कभी नहीं दूंगा काका, नॉट एट ऑल, नेवर। बच्चा रो रहा है, उसे उसकी माँ की जरूरत है, एक माँ से ज्यादा उसका कोई ख्याल नहीं रख सकता। मैं रख सकता हूँ, मैं रखूंगा, मैं माँ से बेटर ख्याल रखूंगा। काल आई एम रेडी शो योर ईआरसी ने भी तो पाला था ना हमें, क्यों काका आपने भी हमें माँ की तरह पाला था ना, बस वैसे ही मैं भी अपने भतीजों को उसी तरह पालूंगा। आई टेक केयर ऑफ देम। ऐसा मत कर, कुछ नहीं सुनना मुझे, नथिंग। मैं बॉन्डिता को बच्चों से दूर कर दूंगा, इतना दूर कर दूंगा कि बॉन्डिता कभी बच्चों को देख ना पाए। आई विल टेक देम टू इटली, मैं उन्हें इटली लेकर जाऊंगा। मेरी बेटी की आखिरी निशानी हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे पास। दादा मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा।